हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रणव है। मैं आपको वेलकम करता हूं अब हमारे चैनल पे। हम लोग मछलियों का सीड्स प्रोवाइड करते हैं, सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं, उनको फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं। आज हम लोग पंगेसियस मछली के पालन के बारे में बात करेंगे। पंगेसियस मछली हमारे इंडियन ब्रीड की मछली नहीं है, इसको बाहर से दूसरे देशों से लाया गया था। इसके ग्रोथ के कारण इसका काफ़ी डिमांड हाई रहता है इंडिया में। पंगेसियस को पंगास, जासर, प्यासी, बासा और शार्क मछली भी कहा जाता है। जो एक्वेरियम में आप ब्लैक शार्क मछली देखते हैं वो पंगेसियस ही है। पंगेसियस खाने वाली मछली में भी इस्तेमाल होती है और शार्क मछली जो एक्वेरियम में डाली जाती है, ऑर्नामेंटल फिश, दोनों में यूज़ किया जाता है। तो इसका पालन करने का फ़ायदा ये है कि आप एक्वेरियम शॉप वाले को भी बेच सकते हैं और ये खाने वाले में ईजिली बिक जाती है। पंगेसियस मछली के ग्रोथ का मैं बात करूं तो ये 5 से 6 महीने में 1 किलो की हो जाती है और इसको साल में आप 2 बार कल्चर कर सकते हैं। ये जो हमारे पीछे पॉन्ड देख रहे हैं, ये 8,000 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्स का पॉन्ड है। इसमें आप 10,000 तक पंगेसियस मछली स्टॉक कर सकते हैं। पंगेसियस मछली को हाई डेंसिटी में किया सकता है आराम से। और ये अगर मैं इसके खाने पीने की बात करूँ तो ये ओमनीवोर्स होती है, मतलब ये मांसाहारी खाना भी खाती है और शाकाहारी खाना भी खाती है। मांसाहारी खाना में इसको आप चिकन वेस्ट या मीट का वेस्ट भी दे सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि वेस्ट में कोई गंदा खून या पंख ना लगा हो, बिल्कुल साफ़ हो। और इसको चॉपर मशीन या ग्राइंडर जो मशीन होता है उससे ग्राइंड करके आप छोटे छोटे टुकड़े करके ही दीजिए ताकि ये ईज़िली खा सके। कमर्शियल फीड भी, जो फ्लोटिंग फीड होता है, वो भी ये काफ़ी अच्छे से खाती है। फ्लोटिंग फीड से भी ग्रोथ इसका काफ़ी अच्छा आता है। फ्लोटिंग फीड का थोड़ा कॉस्ट हाई चला जाता है, 50 रुपये से ऊपर कॉस्ट चला जाता है फ्लोटिंग फीड खिलाने पे पंगेसियस के ग्रोथ में। तो आप इसको नेचुरल फीड भी दे सकते हैं। नेचुरल फीड अगर शाकाहारी फीड की मैं बात करूँ तो मकई का दर्रा भी आप इसको दे सकते हैं उबाल के, वो भी काफ़ी, इससे भी ग्रोथ इसका अच्छा रहता है। चिकन से, नॉनवेज से ज़्यादा अच्छा ग्रोथ इसका आता है क्योंकि ये मांसाहारी मछली ज़्यादातर मांसाहारी खाना ही खाना प्रेफर करती है। जो कमर्शियल फीड होता है उसमें भी नॉनवेज का ही कंटेंट ज़्यादा होता है। पंगेसियस मछली 1 साल में 2 किलो से भी ज़्यादा की हो जाती है। डकवीड और एजोला को भी ये बहुत ही अच्छे से खाती है। तो बरसात के टाइम डकवीड या एजोला आसपास के आप खेत में या गड्ढा जो भी हो वहाँ ईज़िली आपको जमा हुआ मिल जाता है। ऐसे भी दूसरे सीज़न में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लेके डकवीड और एजोला 5 किलो 10 किलो एक दिन में छोड़ सकते हैं। ये बहुत ही एग्रेसिवली डकवीड या एजोला को तो नहीं खाती है, बट वो धीरे धीरे खाते रहती है। डकवीड से या एजोला फार्मर्स भाई मेरे से पूछते हैं कि पूरा कल्चर डकवीड या एजोला से कर सकते हैं, तो नहीं, पूरा कल्चर तो आप पंगेसियस का डकवीड से नहीं कर सकते। बहुत अच्छा ग्रोथ ये नहीं लेगी। आप उसको एडिशनल खाने के तौर पे दे सकते हैं, उससे उसका पाचन शक्ति ये सब भी अच्छा रहता है, बट पूरा कल्चर सिर्फ डकवीड से नहीं किया सकता है। वीक में 2 दिन 3 दिन आप इसको डकवीड डाल सकते हैं। पंगेसियस मछली जो ऑक्सीजन होता है वो ऊपर के सतह पे अपना आके भी लेती है और डिसॉल्वड ऑक्सीजन जो अंदर पानी में मौजूद होता है उससे भी ऑक्सीजन लेती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो अगर ऊपर आके ऑक्सीजन ले लेती है तो हाईली डेंस पॉपुलेशन भी जब रहता है तालाब के अंदर तो भी इनको सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। अगर मैं खाने नॉनवेज की बात करूँ, अगर इसमें आप नॉनवेज फीड डाल रहे हैं, चिकन का वेस्ट या मीट का वेस्ट, तो आप ये ध्यान दिए कि महीने में 2 या 3 बार ही आप पानी को चेंज करिए। ऐसे पॉन्ड जो नेचुरल पॉन्ड होता है मिट्टी का, उसमें पानी चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि पानी खुद ही खुद सूखता रहता है और नया पानी डालते रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप चिकन का वेस्ट डाल रहे हैं तो पानी थोड़ा गंदा हो जाता है, तो आप 2 बार ही पानी को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको देखना होगा कैसा कंडीशन है आपके पानी का, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन 2 बार ही महीने में चेंज कर देना चाहिए आप अगर रेगुलर डेली बेसिस पे इसको आप चिकन का वेस्ट दे रहे हैं तो। पंगेसियस मछली को 1 किलो करने में लगभग ये 1 किलो का फीड खाती है, मतलब ये आपको 1 किलो करना है तो आपको 1 किलो खाना इसको खिलाना होगा। 1 किलो खाना आप अपना नेचुरल फीड बना के भी खिला सकते हैं और इसको आप कमर्शियल फीड भी दे सकते हैं। कमर्शियल फीड जो
आप छोटी मछली रहती है तो वो 0.8 mm का खाना खाती है, क्योंकि सीड बहुत छोटा जब बच्चा होता है वो बड़ा दाना नहीं खा पाता है। तो 0.8 mm का दाना दे सकते हैं, जो कि मार्केट में 1200 रुपये का 10 किलो का रेट रहता है। उसके बाद फिर 2 mm का खाना आता है, जब थोड़ी बड़ी हो गई तो 2 mm का खाना दे सकते हैं। 1400-1600 रुपये का ये 20 किलो का बोरा आता है, वो दे सकते हैं। और फिर 4 mm का दाना आता है, जो कि 1800 रुपये में 40 किलो का बोरा आता है। आप इसको अगर पर किलो में देखा जाए तो ये 45 रुपये पर किलो आपको ये पड़ जाएगा कमर्शियल फीड, मतलब 45-50 रुपये 60 रुपये तक ये खाना खाएगी। तो कमर्शियल फीड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 1 किलो की हो जाएगी 5 से 6 महीने में। आप इसको अगर 2 टाइम रेगुलर खाना देंगे 5 या 6 महीने तक, सुबह और शाम, तब ये होगी। बहुत लोगों का ग्रोथ नहीं हो पाता है क्योंकि वो 2 बारी खाना नहीं देते हैं और प्रॉपर खाना नहीं देते हैं, तो इनका 5 से 6 महीने में ग्रोथ नहीं आ पाता है। ग्रोथ के लिए आपको प्रॉपरली खाना खिलाना होगा और डेली बेसिस पे खिलाना होगा। कभी महीने में 1 या 2 दिन छूट गया तो वो बात अलग है, उससे कुछ ज़्यादा हैम्पर नहीं करता साइज़ में या ग्रोथ में, बट रेगुलर खाना तो खिलाना ही चाहिए। और अगर ये मैं कमर्शियल फीड का मैंने आपको कॉस्ट बताया कि कितना कॉस्ट लग जाएगा कमर्शियल फीड खिलाने में, अगर आप इसको नेचुरल फीड खिलाएंगे, मकई का दर्रा जो कि 10 से 20 रुपए किलो मिलता है, और चिकन फेस जो 10 रुपए किलो मिलता है या 8-7 रुपये किलो भी मिलता है, हर जगह पे अलग रेट रहता है। तो आप अगर इसको चिकन फेस दे रहे हैं तो 10 रुपए अगर 1 किलो इसको होने में 1 किलो का फीड लग रहा है, तो 10 रुपए किलो अगर कम आप चिकन वेस्ट है तो सिर्फ 10 रुपए ही आपको इसको 1 किलो करने में खर्च आएगा, या मैक्सिमम 15 या 20 रुपए आप ले सकते हैं सारा कॉस्ट मिला के। और ये 100 रुपये 110 रुपये पंगेशियस का जो मार्केट रेट है, जो होलसेल रेट है, वो 100-110 रुपये रहता है, कभी 90-95 भी रहता है। और इसका जो रिटेल रेट रहता है 140-150-130-135, ऐसा करके रिटेल रेट रहता है, ये इजीली मार्केट में बिक जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसको लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी सीड के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, या पंगेसियस का सीड या कोई और अन्य मछली का सीड चाहिए तो आप हमें कॉल करके मंगवा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं रूपचंदा मछली के बारे में बात करने वाला हूँ। थैंक यू।